दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्या जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष खबरों को लेकर के। खबर क्या है आज बात होगी दोस्तों, जातवाद के ऊपर। जिस प्रकार से जातवाद हावी है उस खेल को समझना जरूरी है। दोस्तों खबर पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि वास्तव में इस जातवाद पे क्या बातें बताई जा रही हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से जो सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने न्यूज़ पर। दोस्तों आरक्षण के बारे में बार बार बहुत बात होती रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरक्षण का विरोध लगातार करते रहते हैं। एसटी ओबीसी के लोग क्या जितनी आबादी में हैं क्या वास्तव में उनका हक आरक्षण के हिसाब से मिला हुआ है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आरक्षण के बात पर अक्सर सामान्य वर्ग के लोग जो कि संख्या में 15% हैं और एसटी ओबीसी 85% हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लें, वो बार बार यही कहते रहते हैं कि 85% वाले आरक्षण जो मिला हुआ है ख़त्म कर दिया जाए। तो जान लो दोस्तों देश में आरक्षण कितना कितना किसको मिला है, कितना आरक्षण मिला है जान तो लो। क्या है आरक्षण? एसटी जनजाति के जो लोग हैं उनको 7.5% मिला हुआ है और एससी 15%, ओबीसी 27% और टोटल होता है 49.5%। और देश की जनसंख्या कितनी है इनकी? 85% है। एसटी ओबीसी को टोटल मिला करके 49.5% मिलता है हिस्सेदारी के रूप में, आरक्षण के रूप में, चाहे नौकरी हो चाहे जो हो, जो भी मिलता है 49.5% ही मिलता है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 85% है। तो ये खेल है दोस्तों, ये रियल में है। तो जनरल की आबादी कितनी है? 15% है और 51.5% ये और प्लस 10% और दिया गया। तो किनको ज्यादा मिल रहा है? यहां पर 15% वाले लोगों को ज्यादा मिल रहा है। और इस खेल को समझने के लिए दोस्तों आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करेंगे। एक पोल खुली है, उस पोल को समझना बहुत जरूरी है। वो न्यूज़ के माध्यम से हम ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जो सरकार भाजपा सरकार बार बार सपा बसपा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी ये तो जातवादी है। सपा के ऊपर इल्ज़ाम था कि तो जातवादी है, अपने ही जातियों के लोगों को भर्ती कर लिया, सारे सुख सुविधाएं उन्हीं लोगों को दिया। और यही बात बसपा के साथ भी हुआ, विरोध करती रही सड़क से लेकर के विधानसभा तक, संसद तक ये विरोध होता रहा कि ये तो जाटों को ही लेकर के आगे बढ़ रही, उन्हीं को सारी सुख सुविधाएं दे रही है। तो दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि आप वोट देते हैं लेकिन जब सरकार बनती है तो सरकार हमारे लिए कितना काम करती है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इस जातवाद का जहर ये देश को विकास की ओर न ले जाकर के देश को बर्बाद करने की ओर जा रही हो, चाहे सपा जातवाद कर रहा हो, चाहे बसपा जातवाद कर रहा हो, या कोई भी पार्टी
जातवाद कर रहा हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे समाज का जो ढांचा है सही ढंग से विकास की ओर नहीं जा सकता है दोस्तों। इसमें वंचित समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, पीछे ही रहेगा। और इसमें सभी लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को और भारत के सभी सामुदायिक, मतलब कि सभी लोगों को ये बात कहना चाहेंगे, चाहे एसटी एसटी ओबीसी के लोग हों, चाहे जनरल कैटेगरी के लोग हों, जातवाद से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब तक जातवाद से ऊपर नहीं सोच आएगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी पर बात करेंगे एक पेपर की कटिंग के माध्यम से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जातवाद का खेल समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जातवाद का खेल हुआ है, क्या इसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से क्या आरक्षण मिला है, उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए क्या उसके आधार पर भर्ती की गई है। तो दोस्तों जितने भी आधिकारिक पद हैं सारे सारे जगहों पर केवल दो ही जातियां आज के दौर में विराजमान हैं, ठाकुर या ब्राह्मण। 60% थानेदार ठाकुर या ब्राह्मण, कहाँ की बात हो रही है दोस्तों जान लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के राजधानी की बात हो रही है, लखनऊ की बात हो रही है। और इसका पोल खोलने वाली है चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने खुला राज। जातवाद के खिलाफ खड़ी होने वाली बीजेपी सरकार भी उसी राह पर है। बीजेपी सरकार सब पर आरोप लगाती रही है कि यह जातवाद कर रहा है, यह जातवाद कर रहा है, ये पार्टी जातवादी है, ये पार्टी जातवादी है। लेकिन सबसे बड़ी जातवादी कौन है ये आपके सामने प्रस्तुत है। जातवाद का खेल इस कदर होता है कि पूरे लखनऊ में जितने भी थाना प्रभारी हैं उसमें से 60% थाना प्रभारी ठाकुर या ब्राह्मण दो ही जातियों से हैं। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आरक्षण की दुहाई देने वाले, आरक्षण जिनको बहुत खटकता है, वो लोग कहते हैं कि इन लोगों को मुफ्त में खाने की आदत है। तो इस बात को जान लीजिए, जातवाद का ये जहर जब तक नहीं निकलेगा, दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक पिछड़ी जातियों का एसटी एसटी ओबीसी, मतलब एसटी एसटी ओबीसी एसटी, इन सब का विकास होने वाला नहीं है दोस्तों। किसी भी एंगल में विकास नहीं होगा, ये जातवाद का जहर देश को बर्बाद कर देगा। हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि जातवाद हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, जातवाद कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और जिस हिसाब से ये खेल चला है जातवाद का, ये केवल थाना प्रभारियों की जहां बात हुई है केवल उसी क्षेत्र की बात नहीं है, ये सभी क्षेत्रों में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा कि जातवाद का खेल चरम पर है। क्या आप लोगों ने इसी के लिए वोटिंग की है? इसके लिए वोटिंग नहीं की, आपने वोटिंग की है समाज के संपूर्ण मानव को एक ही मुख्य धारा मिलाने की कोशिश और सबका विकास सबका साथ का जो नारा है ये कहने मात्र के लिए है, लेकिन वास्तव में दिखता नहीं है। आपसे प्रतिक्रिया मांगेंगे, आप क्या कहेंगे इस बात पर? तो इस बात को समझो दोस्तों, जागरूक हो, सजग बने और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। नाम मात्र का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, नाम मात्र का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आबादी के हिसाब से आरक्षण एसटी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पाया है, और जो भी मिला है वो भी मिल नहीं रहा। जो ये ब्राह्मणवादी सोच है, इस ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है।
ये जो 60% का आंकड़ा, जो 60% का आंकड़ा जो प्रस्तुत किया जा रहा है पेपर की कटिंग के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है, ये RTI के माध्यम से उपलब्ध हुआ है दोस्तों। इसमें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और